35 का टिप लगाया है तो ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। आपको अगर थिकनेस बढ़ाना हो तो गन का स्पीड कम कर सकते हैं। अब हम अगर इसका थिकनेस देखेंगे, ये थिकनेस सफिशिएंट है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये काफी थिकनेस है। अब इससे पतला करना है तो भी पॉसिबल है, मोटा करना है तो भी पॉसिबल। इतना ठीक है, इनफैक्ट ये आपके सिंगल कोट के हिसाब से तो शायद आपको ज्यादा लगेगा। आपको पतला करना है, मैं गन का स्पीड बढ़ा दूंगा। अब यहाँ देखेंगे तो आपको थिकनेस कम मिलेगा, इसके यहाँ थिकनेस कम है, वहाँ थिकनेस ज्यादा है। मटेरियल सेम है, गन सेम है, टिप सेम है, लेकिन थिकनेस में फर्क है। क्यों? क्योंकि मैंने गन का स्पीड जो है ना चेंज किया है। गन का स्पीड चेंज करूंगा, ज्यादा एरिया कवर करूंगा तो मटेरियल दीवार पे कम लगेगा, ठीक है। अब यही चीज मैं और इससे भी मोटा करके दिखाता हूँ। देखेंगे तो ये थिकनेस मोटा हो गया, ये देखिए काफी मोटा हो गया। अब मैंने टिप चेंज किया है, अब मैंने बड़ा टिप लगा दिया ताकि मटेरियल ज्यादा निकले आराम से। ये थिकनेस आपको काफी ज्यादा मिलेगा, ये थिकनेस ज्यादा मिलेगा सिंगल कोट के लिए। और भी अगर मोटा करना है, इसमें भी अगर मैं स्लो चलाऊंगा तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। अब ये आपका फिनिश टेक्सचर फिनिश हो जाता है, थिकनेस भी बढ़ जाता है। और आप देखेंगे तो ये जो फिनिश है, ये जो फिनिश है उसके मुकाबले ये फिनिश बदल गया, ये टेक्सचर फिनिश हो गया और थिकनेस बहुत ज्यादा है। ये कभी जहां सरफेस आपका, जो कई लोग बोलते हैं कि हमारा प्लास्टर स्मूथ नहीं रहता है, सिर्फ वहीं पर उतना करना है, वरना आपका पुट्टी का कंजम्पशन बढ़ सकता है और पुट्टी महंगा है, सस्ता नहीं है। तो ये तभी यूज करना है जब आपका रफ प्लास्टर, स्मूथ प्लास्टर के लिए इतना बड़ा टिप यूज नहीं करना। स्मूथ प्लास्टर के लिए कौन से टिप? स्मूथ प्लास्टर के लिए जो हमने 35 और 39 जो होता है वही चलेगा। इनफैक्ट फर्स्ट कोट भले आप 39 से करो, सेकेंड कोट तो 31 से ही करना। फर्स्ट कोट भी अगर अच्छे से प्लास्टर है, लेवलिंग का इश्यू नहीं है, तो आप 35 टाइप टिप यूज कर सकते हो। 35 का मतलब है लास्ट के दो डिजिट जो है 35 रहेगा, आगे का नंबर वेरिएबल हो सकता है 335, 435, 535, 65, वो आपका पैटर्न डिसाइड करेगा। जितना बड़ा पैटर्न चाहिए उतना डिग्री ज्यादा, मतलब 65 होगा तो पैटर्न ज्यादा मिलेगा, 335 होगा तो पैटर्न कम मिलेगा, है ना। तो साहब और कोई भी जानकारी के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया जाएगा। मशीन के जानकारी के लिए कभी भी हमें डिटेल्स पूछ सकते हैं, मटेरियल के डेटा भेज दीजिए कि कौन सा मटेरियल यूज करना है। एक बार अब हम ये देखेंगे, यहाँ का फिनिश देखिए, और ये हमने अभी तो सिर्फ 6 मिनट भी नहीं हुआ है और यहाँ का फिनिश में आपको पता चल जाएगा। और ये पाउडर पुट्टी है, एक्रेलिक पुट्टी में और भी अच्छा फिनिश है। कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। सेकेंड कोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, आप आगे बढ़ो, दूसरे एरिया में जाओ, आगे बढ़ो।
नमस्ते सर। सर आप कहाँ से आए सर? प्रॉपर पुणा से आए। प्रॉपर पुणा से, म्हणून तुम्ही मराठी आहे? ओके, मला थोडं थोडं मराठी आहे, जास्ती नाही आहे। आता मला तुम्ही हे सांगा, तुम्ही इकडे येले, तुम्हाला ट्रेनिंग मशीनची ऑप्शन्स काय दिली आणि व्हरायटी मी तुम्हाला पाठवली, तुम्ही 900 सिलेक्ट केलं, तुमचा विचार काय आहे? तुम्हाला इकडे यायचा या पेमेंट करून मशीन मंगवायचं, काय करायचं, तुम्ही काय सांगता? नाही, जर कोणाला मशीन घ्यायचं तर किसको मशीन लेना हो तो मेरे ख्याल तो खुद यहाँ पे आके ले ले, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग मिला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है थियोरेटिकल वर्क से ज्यादा प्रैक्टिकल में ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। तो मैंने खुद में भी लिया, जो हमारे साइड पे पेंटर वर्क करते हैं उनसे, उनको भी ले लें, और मेरे ख्याल से आपने तो जो किया ट्रेनिंग इतना फ्री तो कोई नहीं देता, और ट्रेनिंग के लिए चार्जेस रहते पहली बार, तो आज फ्री ट्रेनिंग मिला, उसके नॉलेज भी बढ़ गया। एक्चुअली साइट में पेंटर काम करते हैं, लेकिन मेरे को भी पता चला कि मशीन में ये चीजें हो सकती है, कभी कभार मेरे रहा कोई साइट पे नहीं रहा तो मैं भी खुद हैंडल कर सकता हूँ। तो ये चीज आपसे मराठी में बोलेंगे कि ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या रहता है? ट्रेनिंग खूब महत्वाचं आहे, ट्रेनिंग घ्यायला तुम्ही नक्कीच त्यांच्या कंपनीत या, आणि ट्रेनिंग पूर्णपणे फ्री आहे, आणि या तुमचे नॉलेज भेटत ते तुम्हाला पूर्ण मशीनच्या वापरासाठी एकदम 100% यूजफुल असेल। मैं सब कस्टमर को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इधर आइए, मशीन का ऑपरेशन समझिए, मशीन में मटेरियल कहाँ से कहाँ जाता है, प्रेशर कैसे बनता है, टिप्स कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, टिप का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, वो सारा नॉलेज हम देते हैं। तो वो नॉलेज के बेसिस पे आप जब मशीन आपके यहाँ पहुंचेगा आप अच्छे से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। मेरा यही मानना है कि आपने यहाँ पेंटर जो है अपने नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेगा तो काम ज्यादा कर सकता है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो उनका इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और ओवरऑल अपना प्रोजेक्ट लेने का कैपेसिटी बढ़ेगा। कई बार हाथ में प्रोजेक्ट आते हैं, इंक्वायरी आता है, हम मना कर देते हैं क्योंकि हमें डर रहता है हम ये काम कर पाएंगे टाइम पे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे मशीन लेंगे, यहाँ आके ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग का हम कोई चार्ज नहीं लेते, आप मशीन लीजिए, ट्रेनिंग हमारे तरफ से फ्री है, और ट्रेनिंग पूरा डिटेल में ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि आप जब मशीन खरीदो ले जाने के बाद आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी तरक्की होगी। और मेरा भी यही है सर, मेरे कस्टमर आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप आगे बढ़ेंगे, है ना? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपका पूरा नाम सर? ऋषिकेश बोगर सर, बाय प्रोफेशन में इंटीरियर डिजाइनर। हाँ देखो, इनका ये मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, वैसे इंटीरियर डिजाइनर है लेकिन अपने टीम के लिए वो मशीन ले रहे हैं, क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस मालूम है कि स्पीड का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोडक्टिविटी का इम्पोर्टेंस क्या है, काम जल्दी करना है, क्लाइंट को अपने वैल्यू मतलब अपना जवान नहीं गिरे इसके लिए टाइम पे काम करके देना आज के जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो अपने टीम के लिए मशीन्स खरीद रहे हैं। इसलिए सर आपकी सोच बहुत आगे की है, और मैं भी यही चाहता हूँ सर कि ओवरऑल अपना काम जो है फास्ट हो तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का रिस्पेक्ट बढ़ता है, है ना? देट इज वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर, आपने विजन एंटरप्राइजेस पे भरोसा किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तरक्की हो, आपकी तरक्की में मेरी तरक्की। थैंक यू वेरी मच।